75वां कान फिल्म फेस्टिवल जिसमें इंटरनेशनल सेलेब्स के साथ साथ भारतीय सेलेब्स भी अपने शानदार रेड कार्पेट लुक की वजह से इंटरनेट पर खूब लाइमलाइट बटोर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज तक के इस सबसे बेस्ट इन सेलेब्स के लुक को। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरी में शामिल हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय सिनेमा अब ओहदे में और एक पायदान ऊपर चढ़ गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी की तरह पहुंची बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने इसके दूसरे दिन ब्लैक कलर का पैंट सूट पहना था। इस ड्रेस में वो एकदम बॉस लेडी लग रही थी। अपने इस स्टनिंग लुक को उन्होंने पंथेरे डी कार्टियर के महंगे नेकलेस के साथ पेयर किया था, जिसकी कीमत कथित तौर पर 3.8 करोड़ रुपए है। उनका ये सिल्वर नेकलेस 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बना हुआ था। इसमें तकरीबन 19.05 कैरेट के हीरे भी लगे हुए थे। ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय की खूबसूरती के बारे में क्या ही कहा जाए। वो जब भी कांस के रेड कार्पेट पर दिखी हैं तो कमाल ही लगी हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने कांस 2022 के पहले दिन वेलेंटिनो ब्रांड का खूबसूरत हॉट पिंक पैंट सूट पहना था। ऐश्वर्या राय द्वारा पहने गए डबल कॉम्पैक्ट ड्रिल ब्लेजर की कीमत कथित तौर पर लगभग $3,640 और पैंट की कीमत लगभग $1,735 थी। भारतीय करेंसी में बात करें तो ऐश्वर्या के इस पैंट सूट की कीमत करीबन 4 लाख रुपए बताई जा रही है। तमन्ना भाटिया। बाहुबली फेम तमन्ना भाटिया भी कान फिल्म फेस्टिवल में खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं। अभिनेत्री ने कान में एक दिन लाइम ग्रीन कलर का पैंट सूट पहना था, जिसमें तमन्ना ने एक स्ट्रैपी हॉट बॉडी सूट और लेदर पंप के साथ पेयर किया था। इस लाइम ग्रीन ब्लेजर की कीमत लगभग 3,000 रुपए बताई जा रही है और उनके ट्राउजर की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरे लुक ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन के बॉल गाउन में बेहद ही खूबसूरत लगी तमन्ना भाटिया को देख हर कोई आहें भरने लगा होगा। हसीना का ये अंदाज भी फैंस को खूब भाया होगा। हालांकि इस गाउन को कैरी करना इतना आसान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद तमन्ना ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस ड्रेस को कैरी किया। हीना खान। इस साल कान के दूसरे दिन रेड कार्पेट पर डेब्यू करने के लिए हीना खान के स्ट्रैपलेस रेड प्लेटेड गाउन पहना था हीना ने, और हीना को अपने इस ग्लैमरस लुक के लिए करीबन 2,68,000 रुपए चुकाने पड़े। उर्वशी रौतेला। बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक उर्वशी रौतेला ने कान 2022 में भी अपना जलवा बिखेरा। कांस के रेड कार्पेट पर उर्वशी रौतेला का जलवा भी खूब दिखा। रेड कार्पेट पर अभिनेत्री ने व्हाइट कलर का वन ऑफ शोल्डर ग्लैमरस गाउन पहन रखा था। व्हाइट सिंड्रेला गाउन में उर्वशी बेहद ही खूबसूरत लगी और उनका ये लुक काफी चर्चा में है। उर्वशी के इस खूबसूरत गाउन की कीमत करीबन 1,47,000 रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, और अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए अभिनेत्री ने कानों में इयररिंग्स, हाथों में अंगूठी और एक ब्रेसलेट पहना हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 24 लाख रुपए थी। उर्वशी पहले भी कांस के रेड कार्पेट पर हसीन अंदाज में नजर आ चुकी हैं। पूजा हेगड़े। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए पूजा हेगड़े ने स्ट्रैपलेस व्हाइट गाउन पहना था। ये व्हाइट गाउन उनके लुक में 4 चांद लगा रहा है। उन्होंने कांस के फर्स्ट लुक के लिए व्हाइट बॉडी कॉन ड्रेस के साथ कैप पहना था। हैली शाह। टीवी एक्ट्रेस हैली शाह भी इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने जा रही हैं। वहीं डेब्यू से पहले हैली शाह येलो ड्रेस में स्पॉट हुई। हैली शाह ने कांस फिल्म फेस्टिवल में शिमर केप वाली ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है। ग्रीन कलर की इस ड्रेस में हैली शाह का लुक एकदम अमेजिंग है। न्यूड हील्स और सिंपल मेकअप पर हैली की शॉर्ट ड्रेस कमाल की लगी। हमेशा की तरह वो इस बार भी अपने फैशन सेंस के साथ जस्टिस कर रही हैं। अब उनके रेड कार्पेट लुक का इंतजार हर किसी को है। प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा भी कई बार कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर वॉक कर चुकी हैं, लेकिन निक जोनस के साथ एंट्री लेकर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। व्हाइट आउटफिट में ट्यूनिंग करते हुए प्रियंका और निक दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सोनम कपूर। सोनम कपूर भी उन भारतीय सेलेब्स में से एक है जो कांस के रेड कार्पेट पर अपने स्टाइल का जलवा दिखा चुकी हैं। सोनम ने ऑफ शोल्डर गाउन कैरी किया था, जिसकी लंबी सी ट्रेल को कैरी करना काफी मुश्किल था, लेकिन सोनम इस आउटफिट में काफी खूबसूरत लग रही थी। कंगना रनौत। कंगना रनौत जो करती हैं वो होता है सबसे हटके और जुदा, और उनका हटके दिखने का अंदाज कांस के रेड कार्पेट पर भी नजर आ चुका है। जब कंगना इतने स्टाइलिश जंप सूट में नजर आई, नया बॉलीवुड की क्वीन का ये अंदाज वाकई में देखने लायक था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।